मूवी की शुरुआत में हम पानी में एक लड़की की लाश को देख पाते हैं। उसके बाद एक बर्थडे पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर हम मीशा को देख पाते हैं। वह लड़की मीशा मायागढ़ की राजकुमारी होती है। मीशा के पिता रतन मायागढ़ के राजा हैं। रतन अपनी सुपुत्री मीशा के नाम से एक आश्रम चलाया करते थे। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है, फिर हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और मीशा बड़ी हो चुकी है और उसके पैर काम नहीं करते हैं, इसीलिए वह व्हीलचेयर पर ही रहती है। लगभग 15 सालों बाद मीशा अपने घर लौट कर आई है। उसे लेने के लिए स्टेशन पर एक पदम नाम का आदमी आया होता है। मीशा उन्हें देख पहचान जाती है, फिर पदम मीशा को घर लेकर आता है। घर पर मीशा की सौतेली माँ रुक्मणी उसका स्वागत करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन मीशा अपनी सौतेली माँ को देखकर खुश नहीं होती है और मीशा उसे नाम से पुकारती है। उसके बाद रुक्मणी मीशा को अंदर घर में लाती है। अंदर आते ही मीशा की नज़र घर में लगे एक फोटो पर जाती है। फिर रुक्मणी मीशा को बताने लगती है कि घर पर तो अभी कोई नहीं है और मैं तुम्हारी देखभाल करूंगी। उसके बाद रुक्मणी मीशा को उसके कमरे में ले जाती है और उस कमरे में मीशा का पूरा बचपन गुजरा होता है और इतने सालों के बाद भी उसका पूरा कमरा वैसे का वैसा ही है, क्योंकि किसी भी काम करने वाले को मीशा के कमरे में जाना सख्त मना था। फिर रुक्मणी मीशा के कमरे में जाती है और जाते हुए बोलती है कि अब रात के खाने के वक्त ही मिलेंगे। फिर मीशा अपने द्वारा बनाए गए ड्राइंग को देखने लगती है। वह ड्राइंग बहुत ही भयानक होती है, जिससे मीशा डर कर तुरंत ही ड्राइंग बुक को बंद कर देती है। उसके बाद रुक्मणी और मीशा रात को खाना खा रहे होते हैं। फिर रुक्मणी मीशा से कहती है कि तुम सोशल मीडिया पर क्यों नहीं हो। इस पर मीशा कहती है कि मेरे पास सोशल मीडिया से जुड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरी मम्मी की मौत के बाद और मेरी एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत ही सहमी सहमी रहने लगी थी और ये जो कुछ भी हुआ है ये सब तुम्हारी कारण ही हुआ है। यह सुनकर रुक्मणी मीशा से अपने आप को गुनहगार समझकर उससे माफी मांगने लगती है और साथ ये भी कहने लग जाती है कि मेरा बिल्कुल भी कोई भी ऐसा इरादा नहीं था तुम्हारे परिवार को अलग करने का। उसके बाद रुक्मणी मीशा को रतन का वीडियो दिखाती है और साथ ही यह भी बताती है कि तुम्हारे पिताजी ने तुमसे कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की थी और तुम्हें लेटर भी लिखे थे, लेकिन मीशा तुम्हारी ओर से कोई भी जवाब नहीं आया। उसके बाद तुम्हारे पिताजी अपना सारा वक्त तुम्हारे नाम पर बने आश्रम को देने लगे थे। फिर मीशा रुक्मणी से पूछने लग जाती है कि पिताजी कहाँ हैं। इस पर वह कहती है कि पता नहीं। उसके बाद मीशा अपने पिता को कॉल लगाने लगती है, लेकिन कोई भी कॉल नहीं उठाता है। फिर उसी रात सब सो रहे होते हैं, तभी मीशा अपने कमरे से बाहर निकल आती है क्योंकि उसे एक डरावनी सी आवाज सुनाई दे रही थी। फिर वह नीचे खून देखती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी को मारकर वहां से घसीट के ले जाया गया हो। उसके बाद मीशा उस खून के पीछे जाती है और आगे जाते हुए एक आदमी को देख पाती है। उस आदमी के हाथों में एक लालटेन होती है और वो वहाँ पर एक बड़ा सा टोपी लगाए हुए पुतला भी मीशा को दिखता है। तभी मीशा को एक जोर से आवाज सुनाई देती है और मीशा अपने व्हीलचेयर पर से नीचे गिर जाती है। उसके बाद मीशा को जब होश आता है तो वह एक डॉक्टर को देख पा रही होती है और वह डॉक्टर उसके परिवार का ही होता है। किसी को भी चोट लगने पर वही आता था और उनका नाम डॉक्टर शेखावत होता है। मीशा के घर में काम करने वाले भी उसी के पास खड़े होते हैं और सारे यही सोच रहे होते हैं कि मीशा उस रात वहाँ क्या करने गई होगी। यह सुनकर मीशा कहती है कि मुझे लगा कि मेरे पिताजी वहाँ पर हैं। फिर डॉक्टर शेखावत मीशा को बताते हैं कि तुम्हारे पिताजी किसी काम से बाहर गए हुए हैं। उसके बाद मीशा सभी को बताती है कि उसने वहाँ पर क्या देखा था। फिर रुक्मणी मीशा को कपिल से मिलवाती है और कहती है कि कपिल यहाँ का मैनेजर है और शायद रात को तुमने इसी को वहाँ पर देखा होगा, लेकिन मीशा इस पर कहती है कि मैंने जिसे देखा वो मेरे पिताजी ही थे। फिर डॉक्टर चेक करने के लिए बोलने लगते हैं। उसके बाद सभी लोग लाइट लेकर घर के बंद वाले एरिया को देखने लगते हैं, जहाँ पर मीशा को उसके पापा नजर आए होते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो मीशा को कहते हैं कि तुमने अपनी ही परछाई को देख लिया होगा। उसके बाद शुभम मीशा ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठी होती है तो उसके पास एक लज्जू नाम की लड़की चाय देने आई होती है। फिर मीशा उससे पूछने लगती है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरे पापा कहाँ हैं। यह सुन लज्जू थोड़ा घबरा जाती है और मीशा से कहती है कि मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ यहाँ पर खाना बनाती हूँ। साथ ही ये भी कहती है कि कपिल को मालूम होगा कि आपके पापा कहाँ गए हैं। तभी वहाँ पर रुक्मणी आ जाती है और वो मीशा को तैयार होने के लिए बोलती है क्योंकि उन्हें मीशा के पापा के मनपसंद गेम स्क्विड शूटिंग के लिए जाना होता है। यह सुनकर मीशा कहती है कि पापा का तो मनपसंद गेम पोलो है। फिर रुक्मणी मीशा को बताने लगती है कि तुम्हारे पापा के चोट लगने के बाद उनका गेम बदल गया था। उसके बाद वह दोनों गेम खेलने के लिए उसी जगह पर जाते हैं। वहां पर उन दोनों की मुलाकात राणा जयसिंह नाम के एक आदमी से होती है। जयसिंह मीशा को देखते ही उस पर लाइन मारने लग जाता है। फिर रुक्मणी उसे कहती है कि ये तुम्हारी कजन सिस्टर है। इस बात पर राणा जयसिंह कहता है कि मीशा तो मेरी बहुत दूर की सिस्टर है, और साथ ही जयसिंह मीशा का हाथ भी झूमता है। उसके बाद जयसिंह पूछता है कि रतन जी कहाँ गए हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, और तुम्हारी ओर से गेम कौन खेलेगा। तभी रुक्मणी कपिल का नाम बताती है कि यही हमारी ओर से इस गेम को खेलेगा।
उसके बाद रुक्मणी अशोक को मीसा से इंट्रोड्यूस करवाती है। उसके बाद गेम शुरू हो जाता है और कपिल इस गेम को बढ़िया से खेल रहा होता है, लेकिन जयसिंह का एक फायर मिस हो जाता है, जिसकी वजह से वह अपनी इज्जत को बचाने के लिए जयसिंह अपने एक आदमी से बोलकर कपिल की बंदूक में पत्थर डलवा देता है। फिर जब दूसरे राउंड में कपिल गोली चलाता है तो उसके हाथ में बंदूक चल जाती है और जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग जाता है। उसके बाद मीशा कपिल से मिलने जाती है और कहती है कि तुम्हारी चोट कैसी है, और साथ ही ये पूछती है कि तुम्हारी बंदूक बैकफायर कैसे हो गई थी। फिर कपिल मीशा को बता देता है कि जयसिंह ने ही ये सब करवाया था, क्योंकि मैं ये गेम जीत जाता तो उसकी इज्जत कम हो जाती है। और कपिल कहता है कि तुम्हारे पापा ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं है। वो मीशा को बताता है कि जब मैं 10 साल का था तो तुम्हारी हवेली में चोरी करने आया था, लेकिन मैं पकड़ा गया। इस जानकारी के बाद तुम्हारे पापा ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने मुझे सुधरने का एक मौका दिया। उसके बाद मीशा कपिल की चोट पर अच्छे से पट्टी बांध देती है। फिर मीशा कपिल से पूछने लग जाती है कि तुमको तो मालूम होगा ही कि मेरे पापा कहाँ गए हैं। इस पर कपिल कहता है कि मैं तो बाहर गया हुआ था कोर्ट के सिलसिले से और जल्द ही वापस आया हूँ, मुझे नहीं मालूम है कि तुम्हारे पापा कहाँ पर हैं। उसके बाद मीशा कपिल से पूछती है कि पापा और रुक्मणी में सब ठीक तो चल रहा है ना। फिर वह कहता है कि इसका जवाब भी मुझे नहीं मालूम है। फिर कपिल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद रात में सभी सो रहे होते हैं। फिर मीशा दोबारा से अपने कमरे में से निकलकर बाहर आ जाती है, क्योंकि उसको एक गिटार की धुन सुनाई दे रही थी। फिर मीशा गिटार के पास जाकर देखती है तो उसे गिटार के पास कोई भी नहीं दिखाई देता है। तभी गिटार के पास उसे एक जलता हुआ सिगरेट दिखाई देता है। फिर उसे लगता है कि गिटार वाली धुन कहीं और से नहीं, यहीं से आ रही है। उसके बाद मीशा एक कमरे में जाती है। वहां पर पहले से ही उसके पिताजी का एक वीडियो चल रहा होता है और उस वीडियो में उसके पिता गिटार बजा रहे होते हैं। उसके पिता उसे बुला रहे होते हैं हाथ देकर। फिर वह अपने पिता की ओर अपना हाथ आगे बढ़ाने लगती है तो उसे कोई उस पर्दे में से उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचने लग जाता है। तभी मीशा उसे अपना हाथ छुड़ाकर वहां से डर के अपने कमरे में भाग आती है। अगली सुबह हवेली में SP अशोक को बुलाया जाता है और मीशा उसे बताने लग जाती है कि कुछ दिनों से इस घर में बहुत कुछ अजीब हो रहा है, और मीशा पूरी हवेली को चेक करने के लिए बोलती है। इस पर अशोक कहता है कि हमने पहले ही इसे अच्छे से चेक कर लिया है और हमें यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला था। उसके बाद अशोक मीशा को बताता है कि तुम्हारे पिता यानी रतन सिंह के किस्से तो पहले से ही बहुत मशहूर हैं, अगर विश्वास नहीं है तो कपिल से ही पूछ लेना। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि वो अपना फोन नहीं उठा रहे हैं और मिलते भी नहीं हैं। फिर पता लगता है कि वो तो किसी लड़की के साथ मजे कर रहे होते हैं। यह सुनकर मीशा अशोक से कहती है कि आप मेरे पिता का कंप्लेंट मिसिंग दर्ज कर लीजिए। इस पर अशोक मीशा से कहता है कि पहले तुम्हें पुलिस स्टेशन आना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं मिसिंग की कंप्लेंट दर्ज करूंगा। ये कहकर अशोक हवेली से चला जाता है। उसके बाद रुक्मणी मीशा को साथ लेकर मंदिर जाती है। रुक्मणी मीशा को बताती है कि इस मंदिर में तुम्हारे पिता मुझे लेकर आया करते थे। रुक्मणी उसे मंदिर में जाने के लिए बोलती है। फिर मीशा जवाब नहीं देती है तो रुक्मणी अकेले ही मंदिर में चली जाती है। तभी मीशा देखती है कि एक औरत तालाब के पास बैठकर एक अच्छी सी धुन निकाल रही होती है, और ये वही धुन होती है जो मीशा के पापा गिटार पर बजाया करते थे। फिर मीशा उस औरत के करीब जाती है तो वह औरत देखने में डरावनी लग रही होती है। फिर वह अजीब औरत मीशा के सिर पर अपना हाथ फेरने लगती है और उससे कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें दूसरी दुनिया में बुला रहे हैं और तुम्हारे पापा मर गए हैं, वह मुझे मिश्री कहकर पुकारते थे। उसी वक्त वहां पर रुक्मणी आ जाती है और मीशा को अपने साथ ले जाती है। उसके बाद मीशा डरावनी सी पेंटिंग बना रही होती है। तभी वहां पर कपिल आ जाता है और मीशा उसे कहती है कि मैं मंदिर में एक औरत से मिली, वह औरत काले रंग के कपड़े में थी, वह ब्लाइंड भी होती है, मुझे तुम एक बार उस औरत से मिलवा दो। उसके बाद कपिल उस औरत के पास उसे लेकर जाता है। फिर वह तीनों एक जगह पर बैठ जाते हैं। फिर वह डरावनी औरत दूसरी दुनिया की आत्माओं से बात करने की कोशिश करने लग जाती है। फिर वह मीशा को बताती है कि तुम्हारे पिता तुम्हें खोज रहे हैं। उसके बाद वह औरत मीशा की ड्राइंग बुक को खोलती है और उसमें एक पेंटिंग बनी होती है। उस पेंटिंग में एक घर जल रहा होता है और उस पेंटिंग में मीशा और वह औरत अपना हाथ रखती है। फिर ऐसा लगता है कि मीशा के पिता उससे कुछ बोलना चाहते हैं। फिर मीशा अपने पिता से बात करने लगती है और कहती है कि आप मुझसे बात कीजिए। मीशा अपने पापा को कहती है कि मैं आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। उसके बाद वह औरत मीशा से बोलती है कि तुम इस जगह से चली जाओ, ये देख ऐसा लग रहा होता है कि उस औरत में मीशा के पिता की आत्मा आ गई हो। तभी इसी बीच वहाँ पर रुक्मणी आ जाती है और वह गुस्से में बोलने लगती है कि इस डरावनी औरत को हवेली में कौन लेकर आया है। फिर कपिल कहता है कि इसे मैं लाया हूँ। यह सुनकर रुक्मणी उसे डांटने लग जाती है। तभी मीशा रुक्मणी पर चिल्लाने लगती है कि तुमने पहले भी मेरे परिवार को अलग कर दिया था और मैं ऐसा फिर से नहीं होने दूंगी।
इतना कहकर वह रुक्मणी को अपने कमरे से बाहर जाने के लिए कह देती है। तभी रुक्मणी कपिल से बोल देती है कि तुम इस औरत को हवेली से बाहर निकालो। फिर वह औरत मीशा को बोलती है कि रात को 12 बजे तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाएंगे। फिर रात को मीशा वैसा ही करती है जैसा उस औरत ने बोला था। मीशा रात को एक आवाज के पीछे गैरेज में चली जाती है। वहां पर सभी गाड़ियां जोर जोर से आवाज करने लग जाती हैं। उसके बाद मीशा को एक गिटार की आवाज सुनाई देती है। मीशा को लग रहा होता है कि गाड़ी के अंदर उसके पापा हैं। फिर वह जोर से चिल्लाती है। उसकी आवाज से सभी गाड़ी वाले कमरे में पहुंच जाते हैं। फिर मीशा रुक्मणी और कपिल को बताने लग जाती है कि उस गाड़ी में मेरे पिता हैं। फिर कपिल गाड़ी को खोल कर देखता है तो वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। यह देख मीशा बिल्कुल ही अपसेट हो जाती है। उसके बाद वह रोने लग जाती है। उसके बाद मीशा के पास लज्जो आती है। वह उसे बताती है कि आपके पिताजी का फोन आया है। फिर वह बाहर आती है तो रुक्मणी मीशा को बताती है कि फोन पर तुम्हारे पिता हैं। फिर मीशा अपने पिता से बात करने वाली होती है कि तभी वह कहने लगती है कि आवाज साफ सुनाई नहीं दे रही है। फिर रतन मीशा से कहता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि तुम बुलाने पर घर वापिस आ गई हो। फिर फोन कट हो जाता है और रुक्मणी मीशा से कहती है कि अब तो तुम खुश हो ना, तुमने सभी को टेंशन में डाल रखा है। फिर मीशा कपिल से बात कर रही होती है कि तभी वहां पर उसे लगने लगता है कि मैंने जिससे बात की वह मेरे पिता नहीं थे। दरअसल मुझे तो याद भी नहीं है कि उनकी आवाज कैसी है, वह कोई और आदमी भी हो सकता है। उसके बाद मीशा कपिल को दोबारा उस कार को चेक करने को बोलती है, लेकिन कपिल को पता नहीं होता है कि वह क्या खोजना जा रही है। तभी मीशा को उसी के पापा की एक अंगूठी कार में मिल जाती है। फिर अंगूठी देख मीशा को लग रहा होता है कि उसके पिताजी का मर्डर हो गया है और ये सब रुक्मणी का कराया धराया हो सकता है। रुक्मणी का कहना है कि मैं मेंटली अनस्टेबल हूँ ताकि मेरी बात पर कोई भी भरोसा ना कर पाए। और साथ ही मीशा कपिल से कहती है कि ये सारा काम रुक्मणी अकेले नहीं कर पाएगी, उसका तो कोई ना कोई जरूर साथ दे रहा है और शायद मेरे पिताजी की डेड बॉडी इसी हवेली में कहीं पर हो। इसके बाद कपिल उसे बताता है कि आज जयसिंह के घर पर पार्टी रखी गई है, तुम्हें उसकी पार्टी में जरूर जाना चाहिए, वहाँ आपको शायद कुछ और जानकारी मिल सके। फिर मीशा कपिल की बात को मान लेती है और उसे भी साथ चलने के लिए बोलती है। मीनवाइल सीन शिफ्ट होता है, उसके बाद हमें पार्टी वाला सीन दिखाया जाता है। फिर कपिल मीशा को बता रहा होता है कि जब से जयसिंह ने अपना महल बेचा है तभी से वह तुम्हारे पिताजी के हर चीज पर नजर गड़ाए हुए है और रुक्मणी भी पूरी हवेली को हड़पना चाहती है और शायद वह दोनों मिले भी हों। तभी वहां पर रुक्मणी अशोक से मिलती है। फिर कपिल मीशा को बताता है कि एक वक्त अशोक रुक्मणी से बहुत प्यार किया करता था और शायद अभी भी करता हो, इसी वजह से अशोक ने अभी तक विवाह भी नहीं किया है और डॉक्टर शेखावत भी रुक्मणी से बहुत ज्यादा पास है पैसों को लेकर। उसके बाद रुक्मणी कपिल को देखकर उन दोनों के पास जाती है और कपिल को पार्टी में से घर जाने के लिए बोलती है। तभी मीशा कपिल को जाने से मना कर देती है। तभी वहां पर जयसिंह आ जाता है और उसके फोन पर मैसेज आता है। वह मैसेज देखता है और रुक्मणी को अपने पास शराब वाले कमरे में ले जाता है। मीशा और कपिल भी उन दोनों के पीछे जाते हैं और वह दोनों अकेले में बात कर रहे होते हैं और ये सारी बातें मीशा और कपिल सुन रहे होते हैं। फिर जयसिंह रुक्मणी पर गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि अगर मैं इन सब में फंसा तो मैं तुम्हें भी फंसा दूंगा। उसके बाद जयसिंह वहां से पैसों वाला बैग लेकर चला जाता है। जयसिंह के पीछे मीशा और कपिल पीछा कर रहे होते हैं। तभी जयसिंह कुछ आदमियों से मिलता है और पैसे से भरा बैग उन आदमियों को दे देता है। वह आदमी जयसिंह को मारते हैं और वहां से भाग जाते हैं। उसके बाद वह दोनों जयसिंह से मिलने उसके घर जाते हैं और उससे सच पता लगाने की कोशिश करने लगते हैं। साथ ही ये भी कहते हैं कि हम दोनों पुलिस के पास जा रहे हैं। तब जयसिंह उनसे कहता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है। फिर जयसिंह मीशा को बताने लगता है कि तुम्हारे पिता के लिए मैंने बहुत कुछ किया है, मैंने तुम्हारे पिता से कहा था कि इस हवेली को एक नए होटल में बदल दूंगा, तुम्हारे पिता तो पता नहीं कहाँ गए और मेरा ये हाल हो गया है। उसके बाद मीशा जयसिंह को बताती है कि मेरे पिता इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। फिर यह सुनकर जयसिंह हंसने लग जाता है और कहता है कि वह मरे नहीं है क्योंकि मैंने तुम्हारे हवेली को होटल में बदलने के लिए 500 करोड़ का लोन लिया है, अगर वह मर गए तो मेरे साथ तो बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। तभी जयसिंह मीशा का सीरियस चेहरा देखकर समझ जाता है कि वह सच बोल रही है। फिर वह कहता है कि मीशा तुम्हारे पिता के मरने के बाद अब सब कुछ तुम्हारा हो गया है, फिर तुम मेरे लोन वाले अग्रीमेंट पर अपना हस्ताक्षर कर दो। उसके बाद जयसिंह उन दोनों को बताता है कि रुक्मणी पेट से है और सभी जगह यह न्यूज फैल जाती है कि ये बच्चा तुम्हारे पिता का नहीं है। यह सुनकर कपिल गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम कुछ भी बकवास करोगे और हम मान लेंगे। उसके बाद जयसिंह मीशा को कहता है कि अगर ये रुक्मणी का बच्चा तुम्हारे पिता का होता तो वह खुशखबरी रुक्मणी सभी को बता देती, लेकिन रुक्मणी ने ये किसी को भी नहीं बताया है। फिर यह सुनकर मीशा सोचती है कि यह बात तो बिल्कुल सही है।
उसके बाद रुक्मणी स्विमिंग पूल में नहा रही होती है, तभी उसके सामने उसके जैसे ही एक लड़की आती है और वो अपने पेट में बच्चे को चाकू मारने लगती है। यह देख रुक्मणी डर कर अपने कमरे में चली जाती है और बहुत सारी दवाई खाने की कोशिश करने लगती है। तभी उसी दिन किसी ने जयसिंह को जान से मार दिया होता है और उसके बाद मीशा रुक्मणी के कमरे में जाकर उसे देखती है और रुक्मणी ने जो रात को देखा था वह उसी के सदमे में ही होती है। फिर मीशा रुक्मणी से पूछने लग जाती है कि आखिर जो तुम्हारे पेट में बच्चा पल रहा है वो किसका है। यह सुनकर रुक्मणी मीशा पर गुस्सा करने लग जाती है और मीशा को बोल देती है कि तुम इस हवेली से चली जाओ। उसी वक्त कपिल फोन लेकर कमरे में आ जाता है। फिर रुक्मणी फोन पर बात करके कपिल को गाड़ी को निकालने के लिए बोलती है और रुक्मणी रोते हुए मीशा को बोलती है कि तुम यहाँ से वापिस चली जाओ। उसके बाद मीशा अपने पिता के कुत्ते के पास जाती है। फिर मीशा अपने पापा की अंगूठी जो उसे गाड़ी में मिली थी उसे कुत्ते को सूंघाती है। कुत्ता अंगूठी सूंघते ही जोर जोर से भौंकने लग जाता है। फिर मीशा उसे खोलने के लिए बोलती है। फिर जैसे ही कुत्ता खुलता है तो वो भागते हुए वहाँ पर जाता है जहाँ पर मीशा ने रात में एक आदमी को देखा था। उसके बाद वो अपनी हवेली के ड्राइवर पदम को पानी में जाकर नीचे देखने के लिए बोलती है। फिर पदम नीचे जाकर देखता है तो उसके पिता उसी पानी में नीचे बंधे मिलते हैं और पदम रस्सी खोलकर उनकी डेड बॉडी ऊपर लाता है। उसके बाद मीशा कपिल को फोन करके वापस हवेली बुलाती है और कहती है कि मेरे पिता की डेड बॉडी मिल गई है। यह सुनकर तो कपिल एकदम शॉक हो जाता है। फिर मीशा अपने पिता की डेड बॉडी को देख रही थी तभी पीछे से मीशा पर कोई हमला कर देता है। फिर मीशा जब होश में आती है तो वह कपिल को देखती है और हमें पता लगता है कि यह सब शुरू में मीशा को परेशान करने के लिए कपिल ही कर रहा होता है। कपिल ने उस डरावनी औरत को पैसे दिए थे ताकि वह मीशा को अजीबोगरीब बातें सुनाकर वहां से भगा दे और वह सारी हवेली उसके नाम पर हो जाए। उसके बाद मीशा को गाड़ी में बंद करके पानी में वे गिरा देता है और साथ ही रुक्मणी को फोन करके वह कहता है कि तुम्हारा काम हो गया है। उसके बाद रुक्मणी उस रात को याद कर रही होती है कि जब कपिल और रुक्मणी दोनों रंगरलियां मना रहे होते हैं और तभी मीशा के पिता ने उन दोनों को साथ में देख लिया था। फिर कपिल मीशा के पिता से माफी मांगने लग जाता है लेकिन रतन कपिल को बहुत मारता है और रुक्मणी का गला दबाने लग जाता है। तभी पीछे से कपिल जल्दी से रुक्मणी को बचाने के लिए रतन को शीशे पर धक्का मारता है और उस वजह से उसका सिर शीशे पर टकराने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कपिल रतन के पूरे शरीर पर टेप लगा देता है। उसके बाद कपिल घर पहुंचकर रुक्मणी को संभालता है क्योंकि वह डरने लगी होती है। साथ ही यह भी बताता है कि हमारे आने वाले बच्चे के बारे में तो सोचो। अगले दिन हवेली पर अशोक आता है और वह रुक्मणी से पूछने लग जाता है कि मीशा कहाँ है। इस बात पर वह कहती है कि मीशा तो वापिस चली गई है। यह सुनकर अशोक को उन दोनों पर शक होने लगता है कि कोई बात तो है। उसके बाद अशोक कपिल को बाहर गाड़ी में बैठकर इंतजार करने के लिए बोलने लगता है। फिर अशोक रुक्मणी से पूछता है कि कोई बात तो जरूर है, मुझे बताओ। इस पर रुक्मणी बोलती है कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। फिर अशोक और कपिल एक क्राइम सीन पर जाते हैं। वहां पर उनको पानी में एक गाड़ी मिलती है। ये कार वही होती है जिसमें मीशा थी। उस कार में ड्राइवर पदम तो मिल जाता है लेकिन मीशा गायब होती है। इसके बारे में कपिल जल्दी से रुक्मणी को बता देता है कि मीशा की डेड बॉडी पानी में नहीं मिली है। यह सुनकर रुक्मणी डरने लग जाती है। तभी उसी वक्त रुक्मणी हवेली में होती है और लाइट चली जाती है और डॉक्टर शेखावत रुक्मणी से मिलने हवेली पर आते हैं और रुक्मणी से पूछ रहे होते हैं कि बाकी सभी लोग कहाँ हैं। उसके बाद रुक्मणी शेखावत को सच बताने लग जाती है जो मीशा के साथ हुआ था और मीशा की बॉडी अभी तक नहीं मिली है। इस बात पर डॉक्टर शेखावत उससे कहते हैं कि मीशा तो पहले ही मर चुकी थी तो दोबारा कैसे मरेगी। यह सुनते ही रुक्मणी एकदम से शॉक हो जाती है। उसके बाद डॉक्टर शेखावत रुक्मणी को पूरा सच बताते हैं कि थोड़े दिन पहले ही मीशा ने सुसाइड कर लिया और साथ ही मैंने उसकी डेड बॉडी को मॉर्ग में देखा है। फिर रुक्मणी कहती है कि मीशा मर गई तो इतने दिनों से यहाँ जो रह रही थी वो कौन है। उसके बाद वह दोनों एक लड़की की परछाई को देख पाते हैं। वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मीशा ही होती है। उसके बाद वह दोनों फिर उसके सामने आ जाते हैं तो मीशा उन दोनों को बताने लगती है कि मैं मीशा नहीं हूँ और वह फिर व्हील चेयर पर से खड़ी हो जाती है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि मीशा के बर्थडे पार्टी के टाइम उसका पिता एक छोटी सी बच्ची से जाकर मिलता है। उसका नाम फातिमा होता है और वह मीशा फाउंडेशन के जरिए पढ़कर एक डॉक्टर बन गई है। फिर फातिमा कहती है कि मुझे मीशा का केस मिला और मुझे पता लगा कि वो अपनी जान लेने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद मैं मीशा से मिली और उसकी मदद करने लगी क्योंकि मैं उसके ही फाउंडेशन से पढ़कर एक डॉक्टर बन पाई थी। जब वह मुझे मिली थी तब उसके भीतर एक गुस्सा भरा हुआ था। फिर हम एक अच्छे दोस्त बन गए और मीशा को मुझसे मिलाने वाला आदमी डॉक्टर शेखावत था। उसके बाद मीशा अपने पिता से मिलने के लिए बेचैन होती है।
लेकिन मीशा के पिता उससे मिलने नहीं आ पाए और उसका फोन भी नहीं उठाया। इस वजह से मीशा ने खुदकुशी कर ली थी और मीशा को लगा था कि उसके पापा उससे प्यार नहीं करते हैं। उसके बाद फातिमा और शेखावत ने मिलकर प्लान किया कि जो हवेली में हो रहा है वो जानकार रहेंगे, पर वे लोग हवेली के लोगों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकते थे। इसीलिए फातिमा मीशा बनकर हवेली में आई। उसके बाद रुक्मणी कहती है कि जब तुम्हें सब कुछ पता चल गया है तो मेरे बच्चे को बचा लो। तभी कपिल हवेली पर आ जाता है और वह शेखावत के सिर पर वार करता है। रुक्मणी कपिल को रोकने लगती है, उल्टा वह रुक्मणी को धक्का मार के नीचे गिरा देता है और फिर फातिमा का पीछा करने लग जाता है और उसे जान से मारने की कोशिश करता है। फिर वो फातिमा को मारने ही वाला होता है कि तभी रुक्मणी उसके हाथ पर गोली मार देती है और फिर गोली कपिल के कान को टच करके दूसरी जगह लग जाती है। कपिल रुक्मणी पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे में फिर झगड़ा करने लगते हैं। तभी गोली चल जाती है और रुक्मणी को लग जाती है और वो पानी में गिरकर मर जाती है। फिर फातिमा उस जगह से भागकर गाड़ी वाले कमरे में पहुंच जाती है और पीछा करते हुए कपिल भी वहां पहुंच जाता है। उसके बाद फातिमा बंदूक दिखाकर कपिल को रुकने के लिए बोलती है, लेकिन कपिल रुकता नहीं है और बंदूक फातिमा से छीनकर फातिमा पर ही गोली चला देता है, लेकिन बंदूक बैक फायर हो जाती है और उसकी गोली कपिल के गर्दन में लग जाती है जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। उसके बाद हवेली पर पुलिस आती है और सभी डेड बॉडीज को वहां से ले जाने लगती है और शेखावत उड़कर बाहर चला आता है। फिर थोड़े दिनों बाद फातिमा हवेली पर आकर मीशा और रतन की बनी समाधि पर फूल चढ़ाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।